असलम स्टूडेंट्स virtual यूनिवर्सिटी में खुशा आमदीद आज तीन चार दिन के बाद आपके साथ हाजिर हैं और ग़ैर हाज़िर होने की वजह ये थी कि इलेक्शन चल रहे थे और इस तो दौरान हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो निभानी होती हैं तो आज दस फरवरी है बारह को पेपर है और एक कहां मसला स्टूडेंट का है बल्कि दो मसले हैं दोनों के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाऊँगा तो पहले जो मसला है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डेट शीट ही नहीं बना पाए उसकी कोई भी वजह हो सकती है उनकी अपनी कोई सुस्ती या कोई और वजह या जो भी आप कह सकते हैं अब मसला ये है कि डेट शीट का इंटरफेस क्लोज हो चुका है और अगर वो पेपर नहीं देते फाइनल टर्म के तो उनका सारा सेमेस्टर वेस्ट है उनकी फ़ीसें वेस्ट हैं उनका मिड टर्म एक्टिविटीज़ वेस्ट हैं और जो भी कुछ किया है वो सारे के सारी वेस्ट हैं तो अब उनके लिए आ, क्या सलूशन है किस तरह वो अपना सेमेस्टर बचाएं वो हम इस वीडियो में मैं आपको आगे चल बता देता हूँ और उससे पहले अगर अभी तक आप वैसे ही हमारा चैनल देखते हैं बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि देखना तो आपने होता ही है जब अगली वीडियो आएगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी आप देख सकते हैं कि हमारी कोशिश आलमोस्ट यही है कि जो भी मसला है स्टूडेंट का उसको हल करने के लिए जल्द अज़ जल्द आपके साथ वीडियो शेयर की जाए और आज की वीडियो लेट हो चुकी है ये कल या परसों तक मैंने डाल देनी थी यानी नहीं आठ नौ को लेकिन जो सिचुएशन थी मुल्क में वो आप सबको पता है कलेक्शन हो रहे थे इंटरनेट वग़ैरह बंद था खैर करें हमारे मुल्क पे और उम्मीद है कि आप सब ने भी वोट डाला होगा और बाकी अब आगे इन आप सब ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया वोट डाल के अब अल्लाह ताली हमारे मुल्क पर रहम करे करम करे हमारे मुल्क में बेहतरी आए तो आ जाएँ आज के टॉपिक के ऊपर और अब करना क्या है आपने एक तो आपको पता है कि हर हाँ स्टूडेंट की एक वी ई मेल होती है जो आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तो आपके पास वो होनी चाहिए और मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ लिख के यहाँ पे कि आपने करना क्या है सिंपल है वो बहुत ज़्यादा मसला नहीं है इसमें एक तो आपने आपके पास वी स्टूडेंट ई मेल होनी चाहिए लाजमी है वो अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में लगाई नहीं है तो फिर मोबाइल में या लैपटॉप में इस्तेमाल नहीं करें तो वो स्टूडेंट ई आपके पास लाजमी होनी चाहिए वो क्या है वो अब आप सभी को पता है नहीं पता तो फिर आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देख लीजिएगा और ये तो ए, एक चीज़ ये हो गई आपके पास और दूसरी आपके पास क्या होना है अब आपने ईमेल करनी है अपनी वी यू स्टूडेंट ई यूज़ करते हुए डेट शीट एट दी रेट वी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के ये ई मेल याद रखिएगा इसी ई मेल के ऊपर आपने करनी है और अगर हम देखें नोटिस बोर्ड के ऊपर तो ये मेल आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने बता दी हुई है यहाँ पे देख लें ये ठीक है।, है और अब अगर हम इंटरफेस ओपन करें तो वहाँ पे आपको शो होगा कि जी आपका जो मसला था यानी कि डेट शीट इंटरफेस क्लोज़ हो चुका है तो अब आप डेट शीट नहीं बना सकते क्योंकि जो लास्ट डेट थी वो आठ थी अगर हम देखें नोटिस बोर्ड को तो वो सारी चीज़ें गुजर गई यानी छः तक थी बग़ैर फीस के और सात को थी आपकी पाँच सौ के साथ और आठ तारीख को थी बगैर एक हज़ार रुपये के साथ तो आठ भी गुज़र गई नौ भी गुज़र गई और आज दस है तो अब करना क्या है अब आपने ये चीज़ें अपने पास एक्टिव करें और ईमेल हो सकता है कि आपने लगाई हो तो दूसरी आपने इस ई को यूज़ करते हुए आपने एक ई लिखनी है और इस ई में आपने बताना है कि किसी वजह से आप डेट शीट नहीं बना सके और अब आपकी डेट शीट बना दी जाए अब ऐसा होगा कि आपके लिए ये जो इंटरफेस है ना वो नहीं खोला जाएगा कि शायद आप ये समझें कि यूनिवर्सिटी आपके लिए इंटरफेस ओपन करेगी अब आपकी जो डेट शीट है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद बना के आपको देगी आपने इस ईमेल में लिखना है कि एक तो पूरा अपना प्रॉब्लम लिखें कि इस वजह से नहीं बना सके और फिर आपने जहाँ पेपर आपने देने हैं सिटी भी आपने मेंशन करना है और साथ में आपने एग्जाम सेंटर का नाम वो भी आपने लाजमी मेंशन करना है आपको पता है कि हर एग्जाम सेंटर का एक नाम होता है और साथ में उसका कोड होता है जैसे कि हमारा जो कैंपस है उसका कोड है पी के एच पी ज़ीरो वन तो आपने ये मेंशन करना है कि इस वजह से आप डेट शीट नहीं बना सके और अब इस सिटी में और इस सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपकी जो डेट शीट है वो ख़ुद बना कर देगी जो भी वहाँ पर अवेलेबल सीट होंगी यानी सुबह का टाइम है या शाम का है या कोई भी दिन हो सकता है वो अब सारी की सारी यूनिवर्सिटी ने एडजस्टमेंट ख़ुद करनी है इस तरह आपका सेमेस्टर वेस्ट होने से बच जाएगा अब इसकी फ़ीस कितनी होगी इसकी फीस होगी दो हज़ार रुपये यानी कि ये स्पेशल फीस है दो हज़ार रुपये के साथ आप ये डेट शीट बनवा सकते हैं तो अब एक तो आपने ईमेल करनी है और दूसरा क्या करना है दूसरा आपने जाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर साइट में बिल्कुल आपने नीचे कंटेक्ट में कन्टेक्ट के अंदर हेल्प और हेल्प में आपने जाके क्या करना है कि अपना एलएमएस आईडी लगा के एल एम के साथ आपने इसको ओपन कर लेना है यानी दो तरह से आपकी ये ईमेल भी जानी चाहिए उसके ऊपर और साथ में आपने क्यूरी सेंड करनी है आपने सपोर्ट सिस्टम को ओपन कर लिया अब आपने जाना है एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन के बाद आपने कंडक्ट में और कंडक्ट के बाद ये सेकंड ऑप्शन है हमारा डेट शीट क्यूरी इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर आपने लिखनी है वही जो मैंने आपको बातें यहाँ पे बताई हैं कि आपने अपना प्रॉब्लम लिखना है जिस वजह से नहीं बना सके और साथ में मेन्शन करेंगे आप इस सिटी में यानी कि सिटी में आप देना चाहते हैं आप लाहौर में देना चाहते हैं फलां कैंपस में या आप आ, कराची में देना चाहते हैं या आप कानपुर में देना चाहते हैं जो भी सिटी है ठीक है सिटी का नाम मैंशन करेंगे एग्ज़ाम सेंटर का नाम भी मैंशन करेंगे और साथ में उसका कोड भी मैंशन कर दें ठीक है मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोड यहाँ पे लिख के दे बताया है तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे और ये सारी चीज़ें जो आपने ईमेल में लिखी हैं वही सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी डेट शीट बना दी जाए और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है होपफुली आपकी जो डेट शीट है हंड्रेड बन जाएगी लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको आज जैसे वीडियो देखते हैं कर दें और कल तक तो लाजमी करें कल सारा दिन आपके पास और अगर कोई दोस्त आपका साथ में फैलो रह गया है इस काम से ठीक है तो उसको भी ये बताएं आप कि वो इस तरह से ये प्रोसेस करके अपनी डेट शीट को बनवा सकते हैं और अपना सेमेस्टर वेस्ट होने से बचा सकते हैं अब दूसरा मसला ये था कि कुछ लोगों के पेपर्स यानी कि कुछ शो हो रहे थे कुछ नहीं शो हो रहे थे वो एक अलग मैटर है कि क्यों नहीं हो रहे थे तो वो उसके ऊपर मैं इन कल आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा अगर आपने वो देखनी है तो फिर आपने अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कल जो वीडियो मिले बनाऊँ अपलोड करूँ और साथ ही उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो चलें अब उम्मीद है कि आपने वीडियो समझ ली होगी तो दोनों प्रोसेस कर दें एक ईमेल कर दें और साथ में अपनी जो क्यूरी है वो भी आप सपोर्ट सिस्टम में सेंड कर दें ताकि जल्द अज जल्द आपकी डेट शीट बन जाए और आपने फिर एक तो है कि जब डेट शीट बन जाएगी तो फिर आपको ईमेल भी आ जाएगी और ईमेल किसी किसके ऊपर आएगी वो यही ईमेल जो आपकी स्टूडेंट ईमेल होती है वो किस तरह होती है कि आपका आईडी होता है ऐट डॉट ई डॉट पी के इस तरह से उसके ऊपर आ जाएगी और मेल आ जाएगी और साथ में आपको जब आप यहाँ पर आएँगे यहाँ पर तो जैसे ही आप लॉग इन और पासवर्ड के साथ करेंगे तो आपकी डेट शीट आपके सामने शो हो रही होगी तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब ऐसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर पे नाट पेयर का मैसेज आ रहा है तो फिर वहाँ पे आपकी डेट शीट बनी हुई शो हो जाएगी आप प्रिंट करके उसके मुताबिक पेपर दे सकते हैं तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या रखिएगा अपना और अपने एग्जाम्स अच्छे तरीके से दें बहुत सारी दवाएँ आपके साथ अपने एग्जाम्स अच्छे तरीके से दें बहुत सारी दवाएँ आपके साथ अल्लाह हाफिज़